हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रही हूं, जिसमें से ओलंपिक चैप्टर का यह चौथा पार्ट है। जैसा कि दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी स्टेट के एग्जाम यानी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, राजस्थान पीटीआई, यूजीसी, नेट, डीएसएसबी, किसी का भी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सभी वीडियोज को वॉच कर सकते हैं और दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। एंड 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बनाए गए हैं, उन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। एंड दोस्तों, जो डेली बेसिस में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि शुभंकर की शुरुआत किस ओलंपिक में हुई। शुभंकर यानी मस्कट की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई, तो शुभंकर की शुरुआत 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक से हुआ। और 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक का शुभंकर क्या था? पालोमा, कबूतर, ठीक है। एंड दोस्तों, 2020 टोक्यो जापान ओलंपिक का मोटो क्या था, शुभंकर क्या था? तो मिराई तोवा था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और 2016 रियो ओलंपिक ब्राजील का क्या था दोस्तों? विनिशियस था। 2012 लंदन का क्या था? विनलाक था, ठीक है। ऐसा कि दोस्तों, शुभंकर के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं ओलंपिक वाले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंची कूद की फास्बरी फ्लॉप नामक तकनीक किस एथलीट ने विकसित की। जैसा कि दोस्तों, इसको विकसित किया रिचर्ड डिक फास्बरी, यूएसए यानी अमेरिका का, इसी के नाम पर ऊंची कूद की इस तकनीक का नाम फास्बरी फ्लॉप रखा और इन्होंने इसका खोज किया, ठीक है। जैसा कि दोस्तों, ऊंची कूद के और तकनीक है जैसे कि सीजर शैली, वेस्टर्न रोल, स्ट्रेडल रोल और फास्बरी फ्लॉप। फास्बरी फ्लॉप जो है वो आधुनिक तकनीकी है जिसकी खोज किया रिचर्ड डिक फास्बरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्बरी फ्लॉप नामक ऊंची कूद की तकनीक प्रथम बार किस ओलंपिक में अपनाई गई। जैसा कि दोस्तों, इसको अपनाया गया 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में, क्योंकि इसका प्रदर्शन फास्बरी फ्लॉप ने पहली बार 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में ही किया था। और इसमें क्या होता है कि जंपर की पीठ कंधों से पहले क्रॉस बार को पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक का उद्घाटन कौन करता है। तो दोस्तों, ओलंपिक का जो उद्घाटन होता है वो मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेजबान देश यानी कि जिस देश में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक के मार्च पास्ट में देश किस क्रम में खड़े होते हैं। जब मार्च पास्ट ओलंपिक में होता है तो सभी देश किस क्रम में खड़े होते हैं। तो दोस्तों, इसमें ग्रीस यानी यूनान सबसे आगे होता है, फिर अन्य देश अल्फाबेट के अनुसार खड़े होते हैं और सबसे अंतिम में मेजबान देश खड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष को उद्घाटन के लिए कौन आमंत्रित करता है कि आप इसका उद्घाटन कीजिए। तो इसको आमंत्रित करता है आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक में पहली बार महिला ने मशाल द्वारा ज्वाला प्रज्वलित किया। तो मशाल द्वारा ज्वाला प्रज्वलित सबसे पहली बार महिला ने कब किया, तो इसको 1968 मेक्सिको सिटी मेक्सिको ओलंपिक में किया गया मशाल द्वारा ज्वाला प्रज्वलित।
जबकि दोस्तों सबसे पहली बार ओलंपिक मशाल जलाया गया था 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक हॉलैंड में ज्वाला स्टेडियम के मुख्य द्वार पर। फिर इसको प्रथम बार आधिकारिक तौर पर जलाया गया 1936 बर्लिन ओलंपिक को, मशाल को ओलंपिया से लेकर सभी महाद्वीपों से होते हुए ओलंपिक के आयोजन स्थल पर लाकर ज्वाला प्रज्वलित करने की शुरुआत हुई 1936 बर्लिन ओलंपिक में। ठीक है, कार्ल डाइम ने मशाल दौड़ का प्रस्ताव पारित किया था। एंड दोस्तों, पहली बार महिला ने मशाल ज्वाला का प्रज्वलित किया मशाल द्वारा, वो भी तो 1968 मेक्सिको सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1968 मैक्सिको सिटी में मशाल द्वारा किस महिला खिलाड़ी द्वारा ज्वाला प्रज्वलित किया गया? तो यह किया गया सबसे पहले महिला द्वारा नोरमा एनरीक्वेटा बासिलो सोटेलो, मैक्सिको की महिला थी। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यह मशाल द्वारा सबसे पहले ओलंपिक जलाया गया वो भी महिला द्वारा, तो 1968 मेक्सिको सिटी में। और किस महिला द्वारा? तो नोरमा एनरीक्वेटा बासिलो सोटेलो के द्वारा, मेक्सिको की महिला के द्वारा। जबकि इससे पहले जो मशाल जलता था वह के मंदिर से जलाया जाता था, वहां इसे सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता था। और मशाल द्वारा प्रारंभ हुआ 1968 मेक्सिको सिटी से, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता है? तो इसकी समापन की घोषणा कौन करता है? आईओसी का अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ओलंपिक का उद्घाटन मेजबान देश का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष करता है, और जबकि समापन जो होता है वो आईओसी का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष थे डिमेट्रास बाइक्लास। और इसका शुरुआत हुआ, आईओसी की स्थापना हुआ 23 जून 1894 में पियर डी कुबर्टिन के द्वारा। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2004 एथेंस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो 2004 में एथेंस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक था अंजू बाबी जॉर्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन था? तो 2008 बीजिंग ओलंपिक का ध्वजवाहक मेजर राजवर्धन राठौर थे। और दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक जो कोविड-19 के कारण 2021 में टोक्यो जापान में संपन्न हुआ, उसका ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी में मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, एंड क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया कुश्ती खिलाड़ी थे। ओपनिंग सेरेमनी में 2020 टोक्यो ओलंपिक में मेरी कॉम बॉक्सिंग एंड मनप्रीत सिंह पूर्व हॉकी कप्तान थे, एंड क्लोजिंग में बजरंग पुनिया कुश्ती के खिलाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। एंड रियो ओलंपिक 2016 में जो ब्राजील में संपन्न हुआ था, उसके ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी में अभिनव बिंद्रा और क्लोजिंग सेरेमनी में यानी समापन समारोह में साक्षी मलिक थे। ओपनिंग सेरेमनी मतलब उद्घाटन समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट खेल को ओलंपिक में पहली और अंतिम बार कब शामिल किया गया? तो दोस्तों क्रिकेट को 1900 पेरिस फ्रांस में पहली व अंतिम बार शामिल किया गया, उसके बाद इसको ओलंपिक में से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए किस एंग्लो इंडियन ने 1900 पेरिस फ्रांस ओलंपिक में 200 मीटर दौड़ तथा 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया था दोस्तों? नॉर्मन प्रिचार्ड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैराथन दौड़ की दूरी का मानकीकरण जो 26 मील 385 गज के रूप में किस ओलंपिक में किया गया। तो दोस्तों इसको मान्यता मिली 26 मील 385 गज होना चाहिए मैराथन की दूरी, यह मान्यता मिला 1924 पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस ओलंपिक में प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भाग लिया। दोस्तों आधिकारिक तौर पर भारत ने प्रथम बार भाग लिया 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में, और इसी में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और दोस्तों ऐसे ही पूछेगा कि भारत ने ओलंपिक में सर्वप्रथम कब भाग लिया था, तो 1900 पेरिस फ्रांस में भाग लिया था, और आधिकारिक तौर पर कब भाग लिया था, तो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक में यह तय किया गया कि यूनान देश को सम्मान दिया गया कि वो मार्च पास्ट में यूनान देश सबसे आगे चलेगा और मेजबान देश सबसे पीछे चलेगा। यह किस ओलंपिक से शुरू हुआ या किस ओलंपिक से तय हुआ? तो यह 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक से शुरू हुआ कि यूनान सबसे आगे रहेगा, ठीक है, बीच में अन्य देश रहेंगे और सबसे पीछे मेजबान देश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता। तो दोस्तों लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता था, तो 1996 अटलांटा अमेरिका ओलंपिक में जीता था, ठीक है, और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और ये पहले विश्व के एकमात्र टेनिस खिलाड़ी थे जो 7 ओलंपिक में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन के 69 kg भार वर्ग में किस ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था। तो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी जो है 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था, ठीक है, और ये भारत की प्रथम महिला पदक विजेता बनी कर्णम मल्लेश्वरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अभी तक कितने स्वर्ण पदक और किन ओलंपिकों में प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों अभी तक हॉकी में भारत ने 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक कब कब प्राप्त किए हैं, 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड, 1932 लॉस एंजलिस अमेरिका, 1936 बर्लिन जर्मनी, 1948 लंदन इंग्लैंड, 1952 हेलसिंकी फिनलैंड, 1956 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, 1964 टोक्यो जापान और 1980 मॉस्को रूस में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रकार कह सकते हैं कि हॉकी में भारत ने अब तक में कुल 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, ठीक है, 3 कांस्य पदक। तो जो 1 रजत है वो 1960 में प्राप्त किया था, और 3 कांस्य पदक जो है 1968, 1972, 2020 में प्राप्त किया है, ठीक है। और कुल स्वर्ण पदक की बात करेंगे दोस्तों कि भारत ने अब तक सभी इवेंट मिलाकर के कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, तो अब तक यह कुल 10 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, 8 हॉकी में, 1 निशानेबाजी में, ठीक है, जो 2008 में निशानेबाजी में प्राप्त किए थे अभिनव बिंद्रा जी स्वर्ण पदक, और 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा भाला फेंक में प्राप्त किए। यानी अब तक में कुल 10 स्वर्ण पदक भारत ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को फ्लाइंग फिन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पाओ नुर्मी को फ्लाइंग फिन के नाम से जाना जाता है, थी एक 10,000 8,000 मीटर क्रॉस कंट्री तथा टीम क्रॉस कंट्री दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक बनाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईओए का फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी भारतीय ओलंपिक संघ। इसकी स्थापना 1927 में शरद दोराबजी टाटा के प्रयासों से किया गया। एंड दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष भी हुए शरद दोराबजी टाटा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में और एमसीक्यूज बताए जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आते होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।